हेलो एवरीवन, मैं रूबी। स्वागत है रूबीस क्रिएटिव बालकनी गार्डन में। तो आज मैं जा रही हूँ नाग चंपा को लगाने, जो कि हमने नर्सरी से लिया था और उसको मैं दिसंबर में ली थी, तो अभी तक रखा हुआ था। तो अब बेस्ट टाइम है उसको लगाने का। तो ये रहा नाग चंपा का प्लांट। देखिए, इसका पत्ता गिर गया है। सर्दियों में गिर जाता है पत्ता, लगभग थोड़े से बच्चे हैं। तो चलिए, इसको कैसे लगाना है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं इसमें से कटिंग भी लगाऊंगी एक। देखिए कितना बड़ा है प्लांट। ये बहुत अच्छा प्लांट मिला था मुझे, इसमें से 3-4 ब्रांच निकल रहा है। शायद मैं दिसंबर के टाइम में लगाती तो मेरा पौधा ख़राब भी हो सकता था, तो मैंने ऐसे ही इसको रख दिया था। तो देखिए, मैं कटिंग ले रही हूँ एक, बिल्कुल तिरछा कट करना है। और इसको 3-4 दिन के लिए ड्राई होने के लिए रख दूंगी मैं, तब लगाऊंगी इस कटिंग को। ये ऐसे लगाएंगे तो ख़राब हो सकता है, फंगस लग सकता है। तो इसको ड्राई होने के लिए हम रख देंगे 4-5 दिन के लिए। धूप में नहीं रखना है, शेडी एरिया में ही रखेंगे। तो चलिए, आगे हम प्लांट को रिपोर्ट कर लेते हैं कैसे लगाना है और किस तरह की मिट्टी में मैं लगा रही हूँ। तो इसका पन्नी हमने कट कर लिया है और देखिए, मिट्टी भी इसकी बिल्कुल वेल ड्रेन है, भुरभुरी सी। तो इसको आराम से निकाल लेंगे हम। कोई घास इसमें निकल आया है तो इसको हम हटा लेंगे। थोड़ा थोड़ा मिट्टी हटाऊंगी नीचे से, ज़्यादा हटाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा जड़ काट दे रहे हैं, ज़्यादा जड़ हो गया है इसमें। मिट्टी तो बहुत अच्छी है इसकी, इसलिए ज़्यादा हटाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए मैंने मिट्टी तैयार किया है जिसमें 20% तक रेत मिला हुआ है और 20% खाद। खाद में आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद ले सकते हैं, जो बिल्कुल सड़ा हुआ हो। और एक मुट्ठी नीम खली भी मिक्स की हूँ मिट्टी में। और 10% मैंने राइस हस्क भी मिक्स किया था मिट्टी में, जिससे मेरी मिट्टी हल्की बनी रहे। अगर आपके पास नहीं है राइस हस्क तो ऐसे भी लगा सकते हैं। और गमला में होल भी होना चाहिए नीचे, तो मैंने उस पर ठिकड़ी रख लिया था और थोड़ा मिट्टी डाल करके तो प्लांट को मैंने सेट कर लिया है। और मिट्टी में डाल रही हूँ ऊपर से, मिट्टी को डालने के बाद अच्छे से दबाएंगे साइड साइड से, ताकि एयर ना रहे। और ये फुल धूप वाला पौधा है, इसको धूप में रखना चाहिए, तभी फ्लावरिंग करेगा ज़्यादा। पर ये लगाने के बाद इनको कुछ दिन के लिए शेड में रखना पड़ेगा, 3-4 दिन के लिए। धीरे धीरे हम धूप में लाएंगे। और इस प्लांट को ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है, साल में 2-3 बार खाद दे सकते हैं। और पानी भी देना है जब मिट्टी एकदम ड्राई हो जाए, 2 इंच तक, तभी देना है पानी इनको। ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं तो ख़राब हो सकता है हमारा प्लांट। तो हमारा पौधा लग चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं अच्छे से पानी दे दूंगी और शेडी एरिया में रख लूंगी इसको। 4-5 दिन बाद मैं धूप में रखूंगी, जब प्लांट हमारा सेट हो जाएगा। और चलिए, कटिंग भी लगा लेते हैं। तो ये देखिए, 4 दिन बाद हमारा ड्राई हो चुका है नाग चंपा का कटिंग, आप देख सकते हैं। इसमें भी 3-4 ब्रांच है। ये हमने 5 इंच का गमला ले लिया है, इसी में लगाऊंगी। ज़्यादा बड़ा गमला में नहीं लगाना चाहिए कटिंग को। तो कटिंग को लगाने के लिए खाद वाला मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, वेल ड्रेन होना चाहिए। तो मैंने मिट्टी ले लिया है, तो इसमें भी 20% रेत मिला हुआ है मिट्टी में। तो अच्छे से मिट्टी डाल करके हम दबा लेंगे। और इसको भी शेडी एरिया में ही रखना है, जहाँ 1-1.5 घंटे का धूप मिल जाए, उस तरह का लोकेशन दीजिए आप।
तो आसानी से कटिंग लग जाती है। ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा धूप पड़ेगा तो फिर प्लांट हमारा सूख जाता है कटिंग। इसमें भी हम पानी दे देंगे अच्छे तरह से, फंगीसाई वाला पानी मैं दूंगी, साफ़ फंगीसाई, या आप हल्दी वाला भी पानी दे सकते हैं, जो आपके पास है वो दे दीजिए। तो मेरा कटिंग लग चुका है, अब इसमें मैं पानी दे दूंगी फंगीसाई वाला। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।